बहुत सारी मैं क्लिप्स को कंपाइल करके बना रही हूँ, बिकॉज क्या हुआ कि यहाँ मैं रिजॉर्ट का टूर करते करते बीच बीच में मस्ती रही, तो उन सारे वीडियो को एक में कंपाइल करके आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोग देखिए मैंने इतने दिन, हम सब ने इतने दिन क्या क्या किया। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे इन लोग की लड़ाई हो रही है। ये एज यूजुअल खाने से पहले की जा रही है फोटोग्राफी, और ये है स्पेशल ब्रिंट जो हम लोगों के ऑर्डर पे आया है। दिस इज कोल्ड कॉफी, दिस इज वनीला मिल्क शेक, एंड दिस इज चिली पोटैटो, एंड दिस इज नूडल्स, एंड ये हैं खाने वाले बच्चे। सो आ जाओ यहाँ पे, आओ इधर बेड पे आओ। और ये है इसका मैच जो हमेशा हमेशा चलता रहता है, और ये लड़का उसी में इंगेज रहता है। थैंक यू। निकलते निकलते आ रहा है मुंह में पानी। तुम तो ये शिमला मिर्च तो खाओगे नहीं, खाएगा नहीं चिली पटेटो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा टेस्ट कर। वेरी वेरी यम, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। लोग दो चार घूंट पीते हैं, मैं तो बस एक घूंट पीता हूँ। आज मैं आप सबके लिए बना रही हूँ एक मेकअप वीडियो, बिकॉज हम लड़कियों को तो आमतौर पर इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जैसे कि कोई कोई पार्टी हो या ओकेजन हो या फेस्टिवल्स हो, या मेरी तरह आज फोटोशूट कराने का मन हो। तो आज मैंने सोचा कि जब मैं मेकअप करने ही जा रही हूँ तो क्यों ना आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को करूंगी मॉइस्चराइज, मैंने अपने हाथ पे मॉइस्चराइजर ले लिया है, और मैं ना कोई बहुत बड़ी तीस मार्खा नहीं हूँ, मुझे मेकअप के बारे में बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ गर्ल्स जिन्हें मेकअप के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं तो बस ऐसे ही 5-5 मिनट वाला मेकअप कर लेती हूँ ताकि मेरा काम चलता रहे। तो मैंने अपने फेस को कर लिया है अच्छे से मॉइस्चराइज, और मेकअप का ये बहुत मेन पार्ट है कि हम अपने नेक को बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करें, वरना वो बहुत थोड़ा सा इवन टोन लगता है, यहाँ का ब्राइट यहाँ का डल। ये कर लिया अपने फेस को अच्छी तरह मॉइस्चराइज, और अब मैं यूज करूंगी ये प्राइमर। तो मैंने ये प्राइमर ले लिया है, तो हम अपने फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजर और प्राइमर लगा लेते हैं, तो हमारा जो फाउंडेशन या हमारा मेकअप होता है वो पैची या थोड़ा सा क्रैक्स जैसे दिखते हैं ना, वो नहीं आता है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी ये फाउंडेशन,
इसकी ब्लेंडिंग में मैं फिंगर का ही यूज कर रही हूँ। इसमें हम ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट फिंगर की हीट होती है वो ब्लेंडिंग में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अपने फाउंडेशन को पूरे फेस पे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। आपको पहले कहा था कि हमें अपना नेक एरिया नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज ये भी मेकअप का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है, वरना आप अभी ये देख रहे होंगे कि मेरा फेस और मेरे नेक में कितना डिफरेंस आ रहा है। क्या करना है, अपनी आंखों के ऊपर यहाँ पे हमें अलग से फाउंडेशन नहीं लगाना, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो हमें क्या, हमारी ब्लेंडिंग के टाइम जो हमारी फिंगर पे ये फाउंडेशन रह जाता है, उसी से हमें इस तरह डैप 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 कर लेना है। सो अब मेरी फाउंडेशन पूरी ब्लेंड हो चुकी है, अब यूज करूंगी ये अपना कॉम्पैक्ट। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आप जितना अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसे यूज करेंगे उतना ही ये बेटर दिखेगा। एंड प्लीज आप अपनी स्किन से कोई भी शेड लाइटर या डार्कर नहीं लेना, बिकॉज वो थोड़े टाइम के बाद ब्लैकिश दिखने लगता है। सो नाउ आई विल डू कॉन्टोर, टेक इन दिस कॉन्टोर पाउडर, और ये आपके फेस को बहुत अच्छा कट देता है। एंड दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकअप। सो अब मैं फिल करने जा रही हूँ अपनी आईब्रोज, और मैं बहुत ज्यादा आईब्रो फिलिंग नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे एक बहुत नेचुरल लुक चाहिए। मुझे इतना चाहिए कि मेरी आईब्रोज का शेप थोड़ा सा पता चल जाए। और कभी भी आप ये ब्लैक नहीं यूज करें, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा फेक आता है। हमेशा आप आईब्रो फिलिंग में ब्राउन ही चूज करें, ब्राउन ही सिलेक्ट करें, ये आपको बहुत ही नेचुरल लुक देता है। सो इट्स डन। सो अब मैं यूज करूंगी अपना ब्लश। सो इट्स टाइम टू स्माइल। So, आज का मेरा आउटफिट पिंक है, तो मैं अब मैं ये पिंक आई शेडो यूज करूंगी, और बहुत ही मुझे बहुत ही नेचुरल सा लुक चाहिए। ऐसा मेकअप हम दिन में कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, थोड़ा लाइट मेकअप रखना है, और वही चीज अगर हम डार्क रात के लिए कर रहे हैं या हम रेजन है उसके लिए करें, तो वही क्या करना है, हमें थोड़ा सा डार्क मेकअप करना है। आईलाइनर ये तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आईलाइनर यूज कर रहे हैं, उससे भी हमारा फेस बहुत ही अलग और क्लासी और एलिगेंट दिखता है। तो मैं, मुझे ना बहुत ही ज्यादा ब्रॉड आईलाइनर्स नहीं पसंद है, तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, बस इसको एक बहुत पतली सी लाइन, बहुत पतला सा आईलाइनर में लगाती हूँ। तो ये मेरा आईलाइनर हो चुका है, और अब मैं यूज करने जा रही हूँ मस्कारा। सो मस्कारा लगाने का सबसे सही तरीका, जो कि मुझे लगता है, आपको क्या करना है, कोई भी मिरर है वो आपको इस तरह नीचे की तरफ रखना है, और आपको यूं देखना है, और इस तरीके से आपको ये, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बिगिनर्स हैं, वैसे तो मैं सामने देख के ही लगा लेती हूँ। ऐसे ही नीचे करना है, बस सामने देखना है, और हल्का सा इस तरह, ये जो ब्रश है बस इस तरह आपको यूं। मेरा फेस मेकअप तो हो गया, और फेस मेकअप लिपस्टिक के बिना तो अधूरा है, तो आज मैं ये मेट लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। तो पूरा हो चुका है, और अब मैं बाल, मैं कुछ ज्यादा नहीं करूंगी, बस थोड़ा सा, मैं आज बस बहुत ही सिंपल से बाल रख रही हूँ। इसके साथ जाएंगे मेरे इयररिंग्स। माई फाइनल मेकअप लुक, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसा लग रहा है आपको ये मेरा मेकअप लुक, मेरा आज का पूरा आउटफिट। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये
मेकअप कैसा लगा है, और कोई भी स्टेप अगर मैंने गलत बता दिया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके मुझे करेक्ट करें। कराने जा रही हूँ अपना फोटो शूट। आराम से क्या करेंगे? अच्छा ओके आई अंडरस्टैंड, मुझे नहीं खुद लगा। दिखनी वाली कौन? कोई बात नहीं, सब फूलों का अपन घर पे लेके देखिए। हाँ अगर आप ऐसी पैक कर दीजिए इसको, क्योंकि घर लेके चलनी है फिर प्रॉब्लम होगी। उसमें शीशा लगा होगा, वो शीशा है उसका, देखिए शीशा है ना। हाँ शीशा है ये जो हम लोगों ने वहाँ फोटो ली है। हाँ वही है ये, भाई इसको देख लेने दे। बहुत ही क्यूरियस है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है। थोड़ा दिखाई दीजिए, दूसरे में पैक करेंगे, थोड़ा सा देखना। आज की शॉपिंग जो कि पूरी हुई है किचन कलेक्शन से, और मैं इनका एड्रेस भी आपको शेयर करूंगी, बिकॉज इनके जितना भी प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो ये तो शेयर करना बनता ही है। पूरा एड्रेस है रेलवे स्टेशन रोड नियर एक्सिस बैंक उताशीपुर उत्तराखंड। आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सो ये है मेरा पूरा पिटारा, और ये है कप। इस कप की स्पेशलिटी ये है कि देखिए, पहले आप ये कप देखिए कितनी खूबसूरत है, इसका डिजाइन, इसका शेप, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। और इसके जितने भी हमारे पास ये सिक्स का पेयर है, और ये इसमें आप डिजाइन देख रहे हैं सब डिफरेंट कलर की हैं, तो मैं आपको पहले सारे कप्स दिखाती हूँ। पहली का आइसक्रीम स्कूप, ये लड़की काफी दिनों से इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेताब थी कि ये आ जाए, तो आज इसने मंगाया है। और नेक्स्ट वन इज हमारी छोटी सी सर्विंग कढ़ाई, कोई भी चीज, कोई भी सब्जी, कुछ भी हम इसमें सर्व कर सकते हैं। This one is my बाल्टी, काफी टाइम से देख रही थी, बिकॉज काफी आप तो सब जानते होंगे रेस्टोरेंट में ये बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा क्लासी लगता है अगर हम इन सारी चीजों में कुछ भी आइटम सर्व करें। सो ये भी है, एंड दिस इज ऑल्सो माई डिश। और ब्लैक कलर में आपका खाना जो भी आप सर्व करते हो इतना खूबसूरती से निखर के आता है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि खाने के साथ साथ आप जो प्लेट, जो डिशेस यूज कर रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा नेसेसरी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन व्यू। ये भी एक पार्ट होता है हमारा कि हम किस चीज में अपने खाने को सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज दिस, ये बहुत ही खूबसूरत है और इसका कलर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और इसमें ये देखिए थोड़ा सा व्हाइट का प्रिंट आया है, तो ये ना बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहा है। और इसमें आप अपना कुछ भी सर्व कर सकते हैं, लाइक कबाब, आलू टिक्की, कटलेट्स, सैलेड, एनीथिंग।
और यहाँ मैंने एक और ऐसा खरीदा है, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज है और इसमें थोड़ा सा ये ब्राउन का थोड़ा इफेक्ट आया है। ये स्पून आए हैं, ये देखिए कितना क्यूट है। और ये है हमारे सर्विंग स्पून, ये सारे सेम हैं। और दिस इज आइस टॉम, और ये एक और इसके साथ मैंने ब्लैक फिश लिया है, इसमें आप अपना कुछ भी हमारी डाइनिंग फूड ना है। और इसका कलर, इसका डिजाइन सब बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ही शुबर और सिंपल। की शॉपिंग और ये सब तो आपके साथ शेयर करना डेफिनेटली बनता ही था। सो आज हम लोगों का आखिरी दिन है यहाँ पे, और ये देखिए हमारी पूरी पैकिंग हो गई है, ये हमारे बैग पैक्स हो गए हैं पूरे, और बस यहाँ से निकलना बाकी है और बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा है। आते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है ना, मैं सही कह रही हूँ ना, और जाते वक्त जितना हम लोग आते वक्त एक्साइटेड होते हैं ना, उतना ही जाते वक्त लो होते हैं, बट क्या है, जाना तो है ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में घर पहुँच के, सो तब तक के लिए बाय बाय।